हेलो, मैं डॉक्टर राव। आप जानते हैं हम अपने क्लिनिक में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, और मैंने ये देखा है अपने तजुर्बे में कि ज़्यादातर पेशेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम आने लगते हैं, इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है, वो छुपाते हैं इस बात को और घर के आसपास या शहर में किसी डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एक ये टिपिकल पैटर्न होता है, वो डॉक्टर उनको दवाइयाँ देता है, वो दवाइयाँ 2-3 महीने तक वो कहता है कि आप लो, एक कोर्स लो दवाइयों का, इससे आप ठीक हो जाओगे। और जैसे ही पेशेंट वो दवाई लेता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि उस दवाइयों में बहुत तरह की एलोपैथिक मेडिसिन, खासतौर पर व्याग्रा मिली होती है, जो वो बताते नहीं है। इतनी हाई डोज पे व्याग्रा देते हैं, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, कोई पता नहीं है कितनी डोज पे देते हैं, तो पेशेंट को ठीक लगता है, लेकिन उसको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको इरेक्शन तो आ रही है लेकिन और सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, और वो उसको लगता है कि मैं चलो ठीक तो हो गया, थोड़ी गर्मी कर रही है दवाइयाँ, इस तरह का वो विचार रखने लगता है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद जब वो दवाइयाँ बंद होती है 2-3 महीने बाद, तो वो अपनी पूरी बॉडी डैमेज कर चुका होता है, क्योंकि व्याग्रा अगर इतनी डोज पे लेते हैं तो लीवर में डैमेज, किडनी में डैमेज, हार्ट में डैमेज, आइज में डैमेज, और यही नहीं, ये रेजिस्टेंस दे देती है, फिर धीरे धीरे इरेक्शन आनी बंद हो जाती है। जब आप नेक्स्ट टाइम व्याग्रा लोगे तो उसका बहुत कम इफेक्ट आएगा, तो फिर आप छोड़ देते हैं। अब आप उसके पास कुछ नहीं कहते, वो कह देता है कि आपने घात कर लिया होगा आपने, और इसी तरह की बातें कि हंस में तुम ज़्यादा किया, इस कारण से खराब हो गए, तो आप निराश हो जाते हैं। फिर आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, वो फिर गारंटी देता है, वो कहता है नहीं, ये प्रॉब्लम थी, ये दवाइयाँ, इस तरह से आप घूमते रहते हैं। अगर आपकी भी ऐसी हालत है तो हमारी एक सलाह है आपसे कि इस तरह के चक्कर में ना पड़े, आप हमारे पास आए, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें मल्टी डायमेंशन अप्रोच होती है। ये नहीं कि ये दे दो, 2-3 महीने कर दें, गारंटी दे देंगे, ये तो गलत है। आप इसमें कीगल एक्सरसाइज कराएं, पेशेंट को पिनाइल मसाज कराएं, उनको बताएं कि फिजिकल एक्सरसाइज का कितना रोल है, उनको आप लो डोज टेडलफिल में, बहुत लो डोज टेडलफिल में डालते हैं, साथ में कुछ हर्ब्स का कॉम्बिनेशन भी देना चाहिए, एल आर्जिनिन का सेशे भी देना चाहिए, वो बहुत फ़ायदा करता है। इन सब के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे ये पेनिस को हील करने लगते हैं। जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है उसके लिए पी शॉट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हमने देखा, हम वीडियो भी बहुत डालते हैं, पेशेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका बहुत स्लो इफेक्ट आता है, आपको कई सेशन, 3-4 सेशन लेने पड़ते हैं, साथ में ED-1000 भी कंबाइन किया जा सकता है। तो ये सब एक तरह का पूरा पैकेज बना के पेशेंट को देना चाहिए, और टेडलाफिल लो डोज में इसलिए देनी चाहिए कि अगर बहुत लो डोज में टेडलाफिल दो तो वो फ़ायदा करती है, अगर उसको हाई डोज में दो वो फ़ायदा नहीं करती, बल्कि नुकसान करती है। तो बहुत कम डोज में, ताकि हमारा मेन मकसद है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पेनिस की ब्लड सप्लाई को नेचुरली इंक्रीज करना। और अगर आप इतनी ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं कि भाई कुछ होता ही नहीं है, तो फिर उसमें हमने देखा है कि आमतौर पे ये जो थेरेपीज हैं, ये पैकेज बना के ठीक हो जाते हैं 90-95% पेशेंट, लेकिन कुछ पेशेंट में इम्प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम इम्प्लांट करते हैं, मैंने तो अपने नज़रिए में, और जिसमें पेशेंट में बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, तो पेशेंट का खुद का इरेक्शन आने लगता है। मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया है जो कि डॉक्टर्स क्या, पेशेंट क्या, डॉक्टर्स को भी नहीं पता, इम्प्लांट के बाद आपका खुद का इरेक्शन आता है, अगर उसमें बहुत सीवियर डिग्री का आर्टेरियोजेनिक ईडी ना हो तो। तो ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, अभी भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मरीज खुद बताएगा कि किस तरह से उसका इरेक्शन आता है। तो ये समझ लेना कि इम्प्लांट डाल दिया आप तो वो एकदम से खड़ा रहेगा और हमेशा इरेक्शन रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ पेनिस को हार्ड कर देता है और इरेक्शन आपका खुद का ही आता है। उसके अलावा हम अपने क्लिनिक में और भी बहुत सर्जरीज करते हैं जिनमें पेनिस बिल्कुल छोटा हो जाता है इरेक्शन ना आने के कारण। उसमें पेनिस को, आपने पता है, फैट डाल के भी इंक्रीज किया जा सकता है। फैट ग्राफ्टिंग सबसे सेफ तरीका है पेनिस की गर्थ को बढ़ाने का और सबसे लीस्ट इन्वेजिव है। हालांकि मैंने देखा कि पी शॉट के भी हम जब बहुत ज़्यादा सेशन देते हैं, 3-4 सेशन देने के बाद पेनिस की गर्थ धीरे धीरे थोड़ी इंप्रूव होने लगती है। इसके साथ जब मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आमतौर पर प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप बोटॉक्स ट्राई कर सकते हैं, फिलर्स ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको परमानेंट चाहिए तो डोर्सल न्यूरेक्टमी भी एक प्रोसीजर है जिसका मैंने फिलहाल कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, वो प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं। अगर आपको
आप भी ऐसी ही गारंटीशुदा इलाज और 2-3 महीने तक लेने के बाद हाई डोज और फिर उसके बाद आपकी इरेक्शन आनी बिल्कुल बंद हो गई, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। क्लिनिक हमारा गुड़गांव में है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास पड़ता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।